नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार पुलिस की एक ऐसी करतूत सामने आई है जिससे नीतीश कुमार भी बुरे फंस गए हैं। आरोप है कि बिहार पुलिस की हिरासत से 256 आरोपी फरार हो गए हैं, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जताई है और बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। लेकिन ये सवाल है कि कैसे 256 आरोपी पुलिस की कस्टडी से फरार हो गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में जंगलराज इस कदर हावी हो गया है कि गुंडे बदमाश पुलिस से भी नहीं डर रहे। इस बीच बिहार पुलिस की करतूत का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए हैं। दरअसल बिहार पुलिस की हिरासत से 256 अभियुक्त फरार हो गए हैं। ये सभी आरोपी अभी लापता हैं। पुलिस की इस कार्यशैली पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। बिहार पुलिस की उदासीनता पर हैरानी जताते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए प्लान क्या है। इसके लिए जो कार्य योजना बनाई गई है उसे 13 मार्च तक पेश करें। इसके साथ ही गोपालगंज में एक बंदी राजनाथ शर्मा के पुलिस हिरासत से भागने की सीबीआई जांच का भी निर्देश दिया। बंदी राजनाथ शर्मा को गोपालगंज पुलिस ने हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आरोपियों का भागना पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर रहा है। जंगलराज की तस्वीर दिखा रहा है, नीतीश सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। सरकार की तरफ से इतनी ढील दे दी गई है कि पुलिस प्रशासन का रवैया भी उदासीन हो गया है। लेकिन हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार की लंका लगा दी है। ऐसे में पटना हाईकोर्ट ने दायर एक आपराधिक रिट याचिका पर फैसला सुनाया। खंडपीठ ने बिहार पुलिस की कार्यशैली पर संदेह जताते हुए पुलिस हिरासत से फरार हुए अपराधियों के आंकड़ों पर रिपोर्ट मांगी है। वहीं पुलिस के मुताबिक जो व्यक्ति उनकी हिरासत से भाग गए हैं वो अभी भी लापता हैं। कई घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इसमें से 118 पटना और मुजफ्फरनगर जिले के थे। पटना हाईकोर्ट ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गोपालगंज के कटेरा थाने से आरोपी के फरार होने के मामले में विश्वास नहीं जगाया जा सकता। वहीं पुलिस को भी फटकार लगाई है। फरार आरोपियों की वजह से नीतीश कुमार बुरे फंस गए हैं। इस मुद्दे पर लोगों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। नीतीश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बिहार पुलिस की गिरफ्त से 256 कैदियों के फरार होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस के लिए ये मुद्दा सिर दर्द बन गया है, जहां एक ओर पटना हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए बिहार पुलिस को फटकार लगाई है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश सरकार से भी आगे की कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट तलब की गई है, जिससे नीतीश कुमार बुरे फंस गए हैं। क्योंकि अगर जल्द इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।